हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं पवन पांडे आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो है क्लास नंबर हमारी 4 है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं एवरेज का। मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है अभी हमारा, और मैथमेटिक्स के जो टॉपिक चल रहे हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, एवरेज की जो है कंप्लीट कर लिया हमने। एवरेज में जो है 6 क्लासेज हुई हैं टोटल, और उसके बाद हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है। नंबर सिस्टम में भी हमारी लगभग 14 क्लासेस हुई हैं, तो उस सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, तो आप उन सब वीडियोस को भी जरूर देखें। और बेसिक से हमने सारे टाइप, मोस्टली सारे टाइप हमने कवर किए हैं एग्ज़ाम के, तो उसको एक बार देख लीजिए वीडियोज़ आप लोग। ठीक है, बाकी परसेंटेज के जो हमने टॉपिक चल रहा है वो हमारा आज की क्लास नंबर 4 है। तो परसेंटेज में हम जो है नया सीखेंगे आज, कुछ नए चीज़ें जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग अगर जैसे कि देखेंगे अभी, तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और SSC मेंस की बात करें तो मेंस में तो आ ही जाते हैं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और आपके रेलवे में भी आ जाते हैं क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के इस टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो सेशन यहाँ पे देख रहे हैं आप, सेक्शन बी है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी हम दोनों से चल रहे हैं, टॉपिक उठा के चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है एक नया स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, और फिर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो थोड़ा सा जो मेन मेन टॉपिक है उन सभी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम मिक्स सब पढ़ने के बाद फिर हम टोटल शुरू कर देंगे प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन में आए हुए एग्जाम क्वेश्चन होंगे, जैसे कि परसेंटेज से क्वेश्चन कितने पूछे जा चुके हैं, तो सारा सेशन हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन में जो हम पढ़ेंगे वहाँ पर टाइप नंबर हमारी 5 है। कौन सी है? टाइप नंबर 5 है, और इसमें देखेंगे नया मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य और पुराना मूल्य से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि चावल के दाम में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 500 रुपये में पहले की अपेक्षा 8 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, तो चावल का नया मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर नया मूल्य हमें बताना होता है कि चावल का नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी कि 20% की कमी हो जाने के कारण चावल के दाम में क्या होता है कि 20% की कमी हो जा रही। मान लीजिए चावल पहले वो 10 रुपये में खरीदता था, अब 20% की कमी हो गई, तो जब 20% की कमी हो जाएगी मूल्य में, तो इसका मतलब 10 रुपये से कम में वैल्यू मिलेगी, तो वह चावल का नया मूल्य क्या होगा वही पूछा जा रहा है। यानी कि वह क्या करता है, 500 रुपये में पहले की अपेक्षा 8 किलोग्राम चावल क्या करता है, अधिक खरीद कर लाता है, तो वही बताना है आपको कि चावल का नया मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा नया मूल्य निकालने के लिए। देखिए, मैं आपको घुमा फिर के नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली पढ़ाता हूँ, और जो भी चीज़ें बतानी होती है वो डायरेक्टली बता देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फैक्ट हैं। ठीक है, तो नया मूल्य जब हमें बताना होता है, तो नया मूल्य के लिए हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, देखिए नया मूल्य हम कैसे निकालते हैं। नया मूल्य के लिए ए एक्स और डिवाइड बाई कर देते हैं 100 और n, 100 n। अब ध्यान दीजिएगा, ये x क्या है और a क्या है, n क्या है, तो a बराबर होता है, a बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, a बराबर होता है अमाउंट, क्या होता है अमाउंट, यानी कि धन। पहले धन कितना, देखिए 500 रुपये है, ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, a बराबर कितना है, अमाउंट है यानी कि धन है, बस जो क्वेश्चन में लिखा है बस हम वही काम करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ याद करना है। a का मतलब हो गया अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है धन। ठीक, X का मतलब क्या होता है, X का मतलब होता है दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई है, यानी कि X का मतलब हो गया यहाँ पर प्रतिशत, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या कमी, यानी कि कमी होगी तो कमी लिखेंगे, वृद्धि होगी तो वृद्धि लिखेंगे। जैसे 20% की कमी हो रही ना, तो 20% लिख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है 100, तो 100 का तो 100 ही रहेगा। अब ये n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू हमारी है मात्रा में कमी या वृद्धि, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं n बराबर मात्रा में कमी या वृद्धि आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, अब बस हमें इसी बात को समझना है। अब सबसे पहले देखिए, नया मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, नया अमाउंट के लिए, यानी कि नया मूल्य बराबर हो जाएगा यहां पे आपका आंसर, तो ए का अमाउंट कितना है 500 रुपए, गुड़े एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू प्रतिशत कितने प्रतिशत है, 20%, तो 20 लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई बाई कितना ले आता है कि मात्रा में कमी या वृद्धि हो रही, कितने किलोग्राम अधिक खरीदता है, 8 किलोग्राम, तो 8 लिख लेना। देखिए 8 किलोग्राम क्या करता है, वो अधिक खरीदता है,
चावल अधिक खरीद लेता है, तो यहाँ पर हमने लिखा ना मात्रा में कमी या वृद्धि, तो एन यानी कि कितने किलोग्राम, 8 किलोग्राम। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करें तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 काट दिया, और 5 एकम 5 यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 बटे 8 हो गया। अब फिर काट दीजिए, 4 दूनी 8 है, और 4 दूनी 8 यहाँ पे 25 चौका 100, 25 बटे 2 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे, 25 बटे 2 बचेगा। ठीक है, अब हमें बताना है इसका। तो अब यहाँ पे 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10 यानी कि 12.5 रुपये, यानी कि 12.50 रुपये जो होगा वो क्या हो जाएगा, नया मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, नया मूल्य प्राप्त हो जाएगा 12.50 रुपये, यानी कि 12.5 रुपये मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्या करना है, नया मूल्य बराबर 500 गुणे 20, 500 क्या लिया है यहाँ पे, देखिए रुपया लिखा हुआ है 500 रुपये, उसके बाद क्या बोल रहा है 20, 20 क्या है, ये परसेंटेज है, परसेंटेज यानी कि रुपये गुणे परसेंटेज बटे 100 और गुणे 8, कितने किलोग्राम कम खरीदता है या अधिक खरीदता है, तो 8 किलोग्राम खरीदता है अधिक। ठीक है, तो 8 लिख लिया, बाकी इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करेंगे तो 20 पंजे 100 काट दिया, काटने के बाद 25 बटे 2 आएगा। अब 2 से भाग देंगे तो आएगा 12.5 रुपये, तो 12.5 रुपये जो है ये नया मूल्य हो जाएगा। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन है उस पर हम और ट्राई करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, बोला कि अंडे के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है, क्या होती है 20% की वृद्धि हो जाती है, तो होने के कारण जो है एक व्यक्ति 400 रुपये में पहले की अपेक्षा 8 अंडे कम खरीद पाता है, तो अंडे का मूल्य प्रति दर्जन नया क्या होगा। अब यहाँ पर भी है नया मूल्य बराबर, तो नया मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 400 रुपये, रुपये गुणे परसेंटेज, मतलब परसेंटेज कितना है 20, बटे कितना कर देंगे 100, और गुणे कितने अंडे कम खरीदता है 8 अंडे, तो 8 लिख लिया, बस सिंपल है ना, बहुत आसान है ना। 400 गुणे 20 यानी कि रुपए जो थे, रुपए गुणे परसेंटेज, परसेंटेज कितना है 20%, तो 20% लिख लिया, उसके बटे 100 कर दिया, और गुणे 8, कितने कितने अंडे कम खरीदता है 8 अंडे कम खरीदता है, तो गुणे 8 कर देंगे। तो अब काट दीजिए, तो 20 पंजे 100 और 5 अठे 40 80 और 8 दहाई में 80, तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल आएगा आपका 10 रुपये, कितना आ जाएगा 10 रुपये आएगा आपका आंसर हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 10 रुपये, ये जो है 10 रुपये प्रति दर्जन जो है यह नया मूल्य हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 10 रुपये दर्जन बात कर रहा है, तो 10 रुपये दर्जन तो होगा नहीं, 10 रुपये दर्जन नहीं होगा नहीं, अंडे का मूल्य प्रति दर्जन नया क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा अंडे का मूल्य प्रति दर्जन पूछा है, तो 10 रुपये का तो अंडा एक पड़ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे दर्जन जब बताना है तो प्रति दर्जन बराबर, ध्यान दीजिएगा प्रति दर्जन बराबर ये 10 रुपये आया है, नया मूल्य आया है पर अंडे का। अब एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं, तो 12 गुणे 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12 दहाई में 120, 120 रुपये इसका अंडे का प्रति दर्जन मूल्य हो जाएगा। एक अंडे का दाम कितना निकला 10 रुपये, प्रति दर्जन पूछ रहा है, तो प्रति दर्जन का मतलब हुआ एक दर्जन का दाम, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं 12 अंडे, 12 चीजें जो होती हैं वो एक दर्जन कहलाती हैं, तो 12 गुणे 10 कर देंगे तो 120 रुपये, तो 120 रुपये प्रति दर्जन जो है अंडे का रेट हो जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारा जब हमसे पूछा जाएगा नया मूल्य यानी कि न्यू प्राइस जब पूछी जाएगी, तो हमें फॉर्मूला कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में गिवन है वही करना है, यानी कि 400 गुणे परसेंटेज बटे 100 गुणे 8 यानी कि कितने अंडे कम खरीदता है या कितने अंडे अधिक खरीदता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि चीनी के दाम में 25% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले की अपेक्षा 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का पुराना मूल्य बताइए। अब यहाँ पे क्या मूल्य बताना है, पुराना मूल्य बताना है, ध्यान दीजिएगा कौन सा मूल्य बताना है, पुराना मूल्य बताना है। ठीक है, अब पुराने मूल्य के लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुराना मूल्य बराबर क्या होता है, पुराना मूल्य बराबर ए एक्स बटे 100 में से क्या करना है दोस्तों, एक्स यानी कि जितने परसेंट है ना उसको घटा देना है, हमें पुराना मूल्य क्या करना होगा, घटाना होगा पहले 100 में से। ठीक है, पुराना मूल्य जब निकालना होता है तो 100 माइनस एक्स कर देते हैं, यानी कि एक्स कर देंगे जब भी हमें पुराना मूल्य निकालना होगा, और माइनस एक्स और गुड़े एन, वही सेम फॉर्मूला रहेगा, बस क्या करना है 100 में से वैल्यू को घटा देना है, क्या करना है 100 में से वैल्यू को घटा देना है। ठीक है, घटाना कब है, क्योंकि 25% की कमी हो रही है, तो जब कमी होगी तो घटा देंगे, लेकिन
अगर ये बोलता 25% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि के केस में हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। यानी कि जब आपको वृद्धि बोलेगा तो आपको बढ़ाना होगा, और जब आपको कमी बोलेगा तो आपको घटाना होगा। यानी कि प्लस या माइनस यहाँ पे लग जाएगा जब हमारे क्वेश्चन में जो बोलेगा बात बोलेगा, ठीक है। तो 100 प्लस या माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एन कर देंगे, ठीक। अब फॉर्मूला आपको तो पता, ए बराबर क्या होता है, मूल रुपये होते हैं, यानी कि अमाउंट होता है 600 रुपये। एक्स बराबर क्या होता है, परसेंटेज होता है कमी या वृद्धि में। और एन बराबर क्या होता है, कितने रुपए, यानी कि कितने चीजें अधिक खरीदता है या कम खरीदता है, ठीक है। तो बस इसे यूज कर लेना है। तो अमाउंट कितना है, 600 रुपए है, और 600 रुपए गुणे कितने परसेंट है, 25% है। अब यह काम करिएगा, 100 में से कितना घटाना है, 25% को घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि कमी की बात हो रही है। तो 100 में से 25 घटा दो, तो यहां पर लिख सकते हो 100 माइनस 25, और गुड़े कितना लिख सकते हो, यानी कि वैल्यू कितनी है, 8 है। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, 600 गुड़े 25 और बटे 75 और गुड़े 8, ठीक है। क्योंकि 25% की कमी है, तो हमें पुराना मूल्य बताना है, नया मूल्य नहीं बताना, पुराना मूल्य बताना है। तो पुराने मूल्य के लिए तो घटाना पड़ेगा ना, तो जब पुराना मूल्य घटाना पड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 25 बराबर 75। अब 25 3 होता है 75 और 3 2 होता है 6, यानी कि 200, तो 4 2 8 और 4 5 20, यानी कि 50। तो 50 बटे आएगा 2। अब जब इसको डिवाइड करोगे, 2 से भाग दोगे 50 को, तो आ जाएगा 25%। कितना हो जाएगा, 25%। तो चीनी का पुराना मूल्य क्या था, चीनी का पुराना मूल्य था 25%, 25 रुपये था। कितना था, 25 रुपये, क्योंकि रुपये में बताना है। तो पुराना मूल्य जो होगा वो हो जाएगा 25 रुपये हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस मेथड को यूज करना और इसी फॉर्मूले पर रख देना है, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दूध के दाम में 30% की वृद्धि हो गई, जिससे एक ग्वाला 520 रुपये में पहले की अपेक्षा 8 लीटर दूध कम खरीद पाता है। क्या करता है, 8 लीटर दूध कम खरीद पाता है। तो दूध का पुराना मूल्य क्या होगा, तो आपको पता है कि पुराना मूल्य बराबर क्या करना होता है, पुराना मूल्य बराबर कितना लिखेंगे, 520 गुड़े कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 30% की लिख दिया, बटे 30% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 100 प्लस 30 कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, पुराना मूल्य के केस में। और गुड़े कितने लीटर दूध कम खरीद देता है, 8 लीटर, तो 8 लिख देना यहाँ पर, क्लियर। बस कॉन्सेप्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए 520 गुड़े 30 बटे कितना करेंगे, 130। अब 130 गुड़े हो जाएगा यहाँ पर 8, है ना, 130 गुड़े कितना जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, जब हम काटेंगे तो 8 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48 40 और 8 5 40 65 आ जाएगा। अब जब 65 आएगा तो अब ध्यान दीजिएगा, जब 65 आएगा तो अब क्या करेंगे, हमें 10 से 10 काट दिया, कट गया। अब हमें 65 गुड़े 3 और बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 5 65, 13 5 65 को काटेंगे, 13 5 65, 5 3 15, कितना हो जाएगा, 5 3 15। तो दूध का पुराना मूल्य जो था वो 15 रुपये प्रति लीटर था, कितना था, 15 रुपये प्रति लीटर था, ठीक है। तो आंसर हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 रुपये प्रति लीटर था, ठीक है, प्रति लीटर था। तो ये हमारा पुराना मूल्य आ जाएगा, क्लियर। तो जब भी पुराने मूल्य की बात होगी तो क्या करना है, 100 में प्लस या माइनस कर देना है, और अगर नए मूल्य की बात होगी तो सिर्फ डायरेक्टली 100 में गुणा कर देना है, किससे, जो भी वैल्यू कम खरीदता है या अधिक खरीदता है, ठीक है। आइए इसको नोट जरूर बनाइएगा आप लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एक टोकरी में 350 आम रखे हैं, कितने आम रखे हैं, 350 आम रखे हैं, जिसमें 75 आम खराब है, कितने खराब है, 75 आम खराब है, कुल कितने प्रतिशत आम अच्छे हैं, कुल कितने प्रतिशत आम अच्छे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि प्रतिशत क्या बोलेंगे, प्रतिशत बराबर अच्छे आम, क्या बोलेंगे, प्रतिशत बराबर अच्छे आम, अच्छे आम माइनस, अच्छे आम माइनस खराब आम, अच्छे आम माइनस खराब आम, खराब आम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्रतिशत बराबर, अब प्रतिशत बराबर लिखिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत बराबर अच्छे आम, अच्छे आम। अब खराब कितने हैं, अच्छे आम माइनस, माइनस क्या करेंगे, अच्छे आम बराबर, ध्यान दीजिएगा, अच्छे आम बराबर कितने हैं टोटल, कुल आम कितने हैं, 350 आम है, इनमें से आम खराब कितने हैं, 75 खराब हैं। तो 75 खराब है मतलब हो जाएगा 275, क्या कितने हो जाएंगे, 275। अब 275 आम कितने हैं, 275 आम अच्छे हैं, यानी कि अच्छे आम बराबर,
अच्छे आम बराबर कितने हैं, 275 है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, प्रतिशत बराबर, हमने कहा अच्छे आम माइनस खराब आम, अच्छे आम माइनस खराब आम, है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कुल आम जो है, टोटल आम, कुल आम कितने हैं, कुल आम कितने है? इसको ध्यान दीजिए, परसेंट निकालने के लिए हमने इसको यूज किया है, ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा है, इसको बात को समझना है यहाँ पे। अच्छे आम बराबर, अच्छे आम बराबर क्या करना था, प्रतिशत बराबर अच्छे आम। अब अच्छे आम हमारे पास कैसे निकलेंगे, जब हमें कुल संख्या यानी कि कुल आम में से खराब आम जब निकाल देंगे तो कुल अच्छे आम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भाई कुल आम हमारे पास कितने हैं, 350 आम है, इनमें से 75 आम को जो है खराब है, तो 350 आम से 75 आम को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 275 आ गए। तो अच्छे आम कुल कितने हैं, 275 कुल कितने हमारे पास अच्छे आम है, ठीक है, 275 आम क्या है हमारे पास अच्छे आम, ठीक है। तो 275 आम जो हमारे पास क्या है, अच्छे आम है। अब ध्यान दीजिए, अच्छे आम कितने हैं, 275 अच्छे आम है, कितने में से अच्छे आम है, 350 में से, 350 आम में से 275 आम अच्छे हैं। अब इसे परसेंट में बदलना है, तो जब परसेंट बदलना है तो गुणे किससे करोगे, 100 से गुणा कर दो। तो जब 100 से गुणा करेंगे हम इसको तो कैसे हो जाएगा, देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब 5 दूनी होता है 10 और 5 सते होता है 35, होता क्यों होता है। अब 275 गुड़े जब 2 करोगे तो 275 गुड़े 2 हो जाएगा, जब दोस्तों यहां पर 7 करोगे तो आएगा टोटल कुल आ जाएगा 550, कितना आ जाएगा, 550/7। तो जब 7 से 550 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 78, 78 4/7%, यानी कि 78.4% जो है अच्छे आम है। कितने अच्छे आम है, 78.4% अच्छे आम सही है, बाकी जो है क्या है वो सारे खराब आम है, ठीक है, क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि एक दलाल की दलाली 25% से घटाकर 20% कर दी गई, कितनी कर दी गई, एक दलाल की जो है दलाली 25% से घटा करके 20% कर दी गई, उसकी दलाली में कितने प्रतिशत की कमी आई, ठीक। तो प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, सबसे पहले यह ध्यान दीजिए जो सबसे पहले कितना था, पहले कितना था भाई, एक दलाल के दलाली में जो है कमी की बात कर रहा ना, अच्छा कमी, हमने यहाँ पे वृद्धि लिख दिया है, वृद्धि नहीं होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कमी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो पहले था वो कितना था, 25% था, पहले कितना था 25%, अब कितना हो गया, 20% हो गया, ठीक है, ये पहले का है, ये पहले का 25%, और ये बाद का है, ये कब का है, बाद का है, बाद में कितना हो गया, 20% हो गया। अब दोनों में जो अंतर आया वो कितने परसेंट का आया है, अंतर जो आया है वो कितने परसेंट का आया, ध्यान दीजिएगा, अंतर 5% का आया कि नहीं आया, 5% का अंतर आया है, कितने से, पहले था 25 फिर हो गया 20, अब ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कितने का अंतर आया है, 5 का, तो जिसके जितने का अंतर आया वो ऊपर हो गया, कितने से बढ़ कम हुआ है, बढ़ कितने से कम हुआ है, पहले 25 था, तो पहले वाला हमेशा जिस चीज़ से हम कंपेरिजन करते हैं वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। तो पहले कितना था, 25 था, लिख लिया 5/25 लिख लिया। अब परसेंट में बदलना है तो परसेंट में बदलने के लिए गुणे 100 कर देना है, तो 25 चौका 100 और 5 चौका 20, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% की कमी आ जाएगी, कितने परसेंट की कमी आएगी, 20% का परसेंट की कमी आ जाएगी, तो यही हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। पहले कितना था, 25 था, बाद में कितना हुआ, 20% हो गया, तो दोनों का अंतर कितना आया, 5% का, तो 5% बटे 5 बटे कितने बटे में 25 क्यों लिखा, क्योंकि पहले कितना था, पहले से ही कंपैरिजन करेंगे ना, पहले 25 था बाद में 20 हो गया, तो जो पहले होता है और जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा नीचे होता है, तो 25 नीचे लिख लिया, तो 5/25 गुणे 100 करेंगे तो आंसर हमारा आ गया 20%, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी इसी पे आधारित हम एक और करेंगे, देखिए बोल रहा है कि एक दलाल की दलाली 30% से बढ़ाकर 40% हो गई, तो ध्यान दीजिएगा पहले कितना था, पहले कितना था, पहले लिखिए, पहले 30% था, पहले 30% था, है ना, अब बाद में बढ़कर कितना हुआ, बाद में कितना हो जाएगा, बाद में 40% हो गया, तो ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर कितने का आया, अंतर जो आया वो कितना आया है, 10 का अंतर आया, 10% का अंतर आया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि वृद्धि हो रही तो प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि में पहले देखिए कितना, पहले अंतर कितना आया 10 का, पहले कितना था,
पहले हमेशा ध्यान दीजिए, जो पहले होगा वही इसी से, उसी से हम कंपैरिजन करते हैं, उसी से तुलना करते हैं। भाई आपके पास पहले 100 रुपये था और अब 200 रुपये हो गए, तो आप बोलोगे कि भाई पहले कितना था, पहले 100 था, तो पहले से ही तो काउंट करोगे कि पहले 100 था अब 200 हो गया। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, पहले कितना था 30 था, उसके बाद कितना हुआ 40 हुआ, तो कंपेरिजन किससे, कितने से बड़ा है 30 से बड़ा, तो जिससे कंपेरिजन करते हैं वो हमेशा नीचे होता है, तो 10/30 हो गया। अब जब 10/30 हो गया इसको परसेंट में बदलना है तो गुणे 100 कर दो, तो 30 अब यहाँ पर हो जाएगा और एक जीरो यहाँ पर कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 10 × 10 भाई, 1 0 और 1 0 कट गया, अब यहाँ पर हमारे बचा 3 बचा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है जो परसेंट हमारा बदले बनेगा वो कितना बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 दहाई में 100 और 100 बटे हो जाएगा 3, कितने बार हो जाएगा 10 दहाई में 100, 100 बटे 3 हो जाएगा। अब जब 3 से 100 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 33 सही 1/3%, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले कितना था 30 था, अब कितना हुआ 40 हुआ, तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के दोगुने का कितने प्रतिशत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा उस संख्या के दोगुने का कितने प्रतिशत है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले बोला है कि हमें तो पता नहीं है वो संख्या कौन है, किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या कितनी है 3n/5 डिवाइड भाई, बोला है कि इस संख्या के उस संख्या के दोगुने का कितना परसेंट, जितने से कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किसी क्या रहा है दोगुने से, तो मान लीजिए संख्या कितनी है, माना संख्या एक्स एन है, माना संख्या कितनी है एन है, तो मान लीजिए संख्या एन है, तो 3n/5 3n/5, अब कितने हैं 2n, 2n मल्टीप्लाई में कितने करना है 100 कर देना है, बस यही तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि 3n/5/2n × 100, बस किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या किसी संख्या कोई संख्या n है, अब 3n/5 उस संख्या के दोगुने का कितने परसेंट, यानी कि इस 2n का कितने प्रतिशत है कौन, ये 3n/5 गुणे 100 कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिए हम जब करेंगे तो n और n ये कट जाएगा, जब कटेगा तो दोस्तों आएगा कितना, ध्यान दीजिएगा आएगा यहाँ पर 3 × 100/5 × 2, यही तो होगा, ये 5 × 2 हो जाएगा और 3 × 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 और 300 बटे हो जाएगा 10, अब 300 बटे 10 हो जाएगा, तो 10 से काटोगे तो आएगा 30%, यानी कि कितने प्रतिशत है 30% है, तो बस हमारा 30% हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, बस सिंपल काम है, कुछ करना ही नहीं है, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस आज इतना ही था, ठीक है, अगली वीडियोज में हम और मिलेंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे, और अगली क्लास में जो हमारा होगा वो होगा घोल से संबंधित, किससे हो जाएगा घोल से संबंधित, यानी कि किसी में भी मिश्रण कर दिया जाता है, दूध की मात्रा होती है टोटल और उसमें मिश्रण कितने परसेंट मिलाया जाता है, तो उससे रिलेटेड हमारा वीडियो होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और अगर कुछ कहना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या कुछ बता सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ पे वीडियो है या कोई क्वेरी होती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है। तो दोस्तों बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।